सीधा आपको जमशेदपुर ले चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री चंपा सोरेन चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। देश का आजाद होकर 77 साल हो चुका है, 77 साल हो चुका है। आज 77 में बहुत सा नेतृत्व को हम लोग भी देखे हैं। बहुत सा नेतृत्व लेकिन हम लोग जहां उसी तरह है, आधुनिक युग में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। आप लोग आराम से रहिएगा। आधुनिक युग में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। अब उसका बीच में हम लोग को आज चलना है, उससे हट भी नहीं सकते हम लोग। इसीलिए आज का ये उड़िया समाज के अभिभावक के बीच में मेरा यही विचार है। हम यहां सामाजिक व्यवस्था, हर सामाजिक व्यवस्था को हम सम्मान रूप से देखने का मेरा विचार है। और उस सामाजिक व्यवस्था को हमको मजबूत करना है। उनका संस्कृत है, भाषा है, उनका इतिहास है समाज का। हमने जैसा सरायकेला में एक महापुरुष का नाम हमने होल बना दिया, वो इतिहास से हम सबों को एक प्रेरणा और उच्चा पर एक इच्छा शक्ति काम करने का हम लोग को एक मनोबल हम लोग को मिल जाता है। हर समय में, हर युग में कुछ नया नया कुछ शक्ति मनुष्य रूप में आया है समाज के बीच में। इसलिए सामाजिक व्यवस्था और भाषा कभी लुप्त नहीं होना चाहिए, मेरा यही विचार है। कोई भी समाज के हो, और देश के अंदर में और ये देश में लोकतंत्र और संविधान, पूरा भारतवर्ष में बहुत सा हमारा पूर्वजों ने संघर्ष किया था देश को आजाद करने के लिए। लाखों हमारा पूर्वजों ने यह बलिदान दिया है, हर स्टेट से दिया है, उड़ीसा से भी दिया है, झारखंड से भी दिया है, बिहार से भी दिया है, बंगाल से भी दिया है, हर स्टेट से इस देश को आजाद करने के लिए सबका भूमिका रहा है। और अभी 10 साल में फिर वही व्यवस्था आ रहा है, मुट्ठी भर पूंजी पार्टी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।